देख रहे हैं बारिश हो रही है। काफी तेज बारिश होने के बाद भी घाटों पे जो है वो खाली दृश्य नहीं देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा श्रद्धालु है जो कि गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और इसमें नॉर्मल श्रद्धालु की संख्या कम आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि भोले की संख्या यानी कांवड़ फंसते हुए कांवड़ों का दृश्य आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। भीड़ आप काफी ज्यादा होने वाला है। मार्च का महीना आ चुका है और 8 तारीख यानी आप जानते ही महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव में गंगा जल चढ़ना होता है और भोले उसी के लिए ही यहाँ पे आपको आए हुए दिखाई दे रहे हैं। और केवल यही पे नहीं, पूरे घाटों में जहाँ पे तलाव है भोलों को वो आपको फूल दिखाई देगा। ये प्रमुख घाट की एरिया देख रहे हैं आप। प्रमुख घाट के साथ साथ आपको विष्णु घाट तक की एरिया आपको पूरी फूल नजर आएगा। तो चलते हैं, एक झलक आपको दिखाते हैं दूसरे घाटों का दृश्य, ये भी आप देखें ताकि आप प्लानिंग करके आए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। देख रहे हैं कुछ अलग तरह के कांवड़ आपको देखने को मिलेगा, भी हम आपको दिखाते हैं। आपने शायद कांवड़ तो बहुत देखा होगा, इस बार कुछ अलग कांवड़ भी देखेंगे आप। यहाँ पे कुछ अलग कांवड़ देखने को मिल रहा है, चलते हैं वहाँ पे क्या है। पूजा अभी चल रहा है तो हम उनसे बात अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूजा के समय रोकना टोकना बिल्कुल सही नहीं होता। तो चलते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं फिर हम चलेंगे, आपको उनसे बात भी करवाएंगे। इस तरह से कांवड़ यात्रा चल रहा है, स्नान की पूरी विधि चल रही है, किसी बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इधर से लोगों की संख्या आ रहा है और ये देख रहे हैं कांवड़ लोग सजा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा किस तरह से कर रहे हैं। बारिश होने के बाद इस तरह का दृश्य है, मौसम खराब हो चुका है काफी ज्यादा ये कहा जाए। असल मौसम तो कल से खराब था लेकिन बारिश रात को हल्की फुल्की हुई थी, लेकिन अभी बारिश हो चुकी है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी हरिद्वार यात्रा जोड़ी, क्योंकि हरिद्वार में मौसम का आप देख रहे हैं, मौसम तो खराब है, बारिश हो ही रही है, भीड़ काफी ज्यादा है वो भी देख रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है। हरिद्वार की यात्रा अभी थोड़ी मुश्किल भरा हो सकता है अगर आप प्लानिंग से ना आए। देख रहे हैं लोग यहाँ पे छाव में खड़े हुए हैं क्योंकि बारिश से बचने का कोई कोई तो उपाय चाहिए। जल की धारा देख रहे हैं थोड़ा कम कर दिया गया है ताकि जो भीड़ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग गलती कर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और कहीं ना कहीं बैलेंस भी कर जाता है, फिर चोट भी लग जाता है, बह भी जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर तेज जल हो तो ऐसा होता है, लेकिन अब जल की धारा काफी कम है तो आपको किसी बारे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। देख रहे हैं अभी जा रहे हैं नीचे घाट पे, घाट का दृश्य दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं आप घाटों का दृश्य, वहां पे लोग स्नान कर रहे हैं, बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं सज रहा है। सब छांव में भी बैठे हुए हैं, आप देखेंगे भीड़ यहाँ पे कांवड़ सज रहा है, लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है। देख रहे हैं चारों ओर लोगों की संख्या है, बारिश के बाद भी किसी प्रकार कोई देरी नहीं, टाइमिंग की पूरी लिस्ट होती है, टाइमिंग में किसी प्रकार की कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि 8 तारीख को जो चढ़ना है और डिस्टेंस काफी दूर है, काफी सारे लोग काफी दूर दूर से आते हैं, तो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर दूर से आते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे पूजा की विधि हो रही है कांवड़ उठाने के लिए। देख रहे हैं देख रहे हैं इधर भी पूजा की विधि हो रही है कांवड़ उठाने के लिए। तो
पता नहीं गया। ये देख रहे हैं हरकी पैड़ी का दृश्य। मौसम अभी बहुत अच्छा था, देखो फिर से काले बादल छा गए। मौसम पर कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए। बारिश तो होगी, इतनी तो कंफर्मेशन लग ही रहा है, क्योंकि महादेव की यात्रा हो और बारिश ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। देख रहे इधर बोले जा रहे हैं काफी तेजी से गति से। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख रहे हैं सावधानी पूर्वक स्नान करें, साथ में अपनी सामानों की जिम्मेदारी आपकी होगी, सामान की सुरक्षा आप खुद करें। देख रहे हैं भीड़ श्रद्धालुओं की, कांवड़ आपको यहाँ पे एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिलेंगे। ये सज रहा है कांवड़ अभी। ये आ चुके हैं प्रमुख घाट पे। देख रहे हैं यहाँ पे पूरे तरह से भोले स्नान कर रहे हैं, जल उठा रहे हैं। और आप देख रहे इधर भी बोलिए बोले। पूरे घाटों का दृश्य दिखा दिया, हाईवे का दृश्य दिखा दिया आपको, ताकि आप पूरी प्लानिंग से आए और सारी सुविधा आपको मिल सके। यहाँ देख रहे हैं एक ही कलर के कांवड़। देख रहे हैं एक ही कलर के कांवड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और संख्या आ रही ये है, देखो विशाल कांवड़ और हर महादेव, बड़ा कांवड़ शिवलिंग का, दो शिवलिंग है जिसे कंधे में उठा के जाएंगे। यही प्रमुख घाट है जहाँ पे आरती होती है, और आरती के समय काफी ज्यादा भीड़ होगा अभी, तो आप जब भी आरती के दर्शन करना चाहे तो 2-3 घंटे पहले आए, क्योंकि अभी आरती का टाइम है। यही पे 6:30 और 6:30 से पहले यहाँ पे हजारों लोग बैठ जाते हैं पहले ही आरती के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आरती के दर्शन इधर से अच्छे होते हैं और उधर वहां से लेके इधर पूरे लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे आरती की शुभारंभ होती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे, नमामि गंगे।